तो हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और भाई, पिछले कुछ दिनों से मेरा मतलब यूट्यूब का जो कमेंट सेक्शन है, सारे वीडियोस के नीचे भाई आप लोगों ने फ्लड कर दिया है कि क्या कहते हैं, कैंपस टूर व्लॉग, कैंपस टूर व्लॉग। मतलब मुझे नहीं लगा था इतना इम्पोर्टेंट बात होगी या सॉरी, हाँ मुझे नहीं लगा था इतनी इम्पोर्टेंट बात है। तो गाइज, ये वाला जो वीडियो होने वाला, दिस इज गोइंग टू बी अ कैंपस टूर व्लॉग। हाँ, ऊपर से मैं आपको क्लासेस जितना हो सके उतना दिखाता हूँ। मैं आपको रीजन बता देता हूँ, साफ सीधी बात है कि मैं क्यों नहीं कर रहा था इतने दिनों से भाई, बिकॉज कैंपस पूरा मैं खुद नहीं घूमा। बहुत बहुत बड़ा कैंपस है, तो आज मेरे लिए भी फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस होगा। तो मैं आपको जैसे जैसे कुछ नई चीज़ पता चलेगी या कोई नया हिस्सा मैं डिस्कवर करूंगा तो उसके बारे में दिखाता हूँ। तो अभी देखो भाई, तुम्हारा भाई कॉलेज के लिए रेडी हो चुका है एंड सही तो लग रहा हूँ, है ना भाई। मतलब मैंने सुबह उठ के शेव किया, फिर एक शर्ट पहना, फिर उसके ऊपर वो शर्ट, मतलब समझ रहे हो, स्मार्ट बन के जाएंगे भाई, बहुत बढ़िया ब्लॉग बनाते हैं। तो गाइस लेट्स गो। सो गाइस, अभी जाने में टाइम है, तो तुम्हारा भाई सुबह ब्रेकफास्ट कर रहा है ओट्स। मॉर्निंग में मतलब ब्रेकफास्ट के लिए मैं डेली ओट्स ही खाता हूँ। तो भाई, मैंने भी लगा कि कुछ क्वेश्चंस का आंसर दे देता हूँ। एक भाई का मैसेज आ रखा है, हाई विच स्टेट आर यू फ्रॉम। तो गाइस, मैं दिल्ली से हूँ। वैसे मेरे पेरेंट्स तो केरला से हैं, तो अगर आप देखा जाओगे तो आई एम मल्लू, बट हाँ आई वॉज रेज्ड इन दिल्ली। भाई मतलब भाई, अगर मैं 23 साल से दिल्ली में हूँ तो दिल्ली वाला ही हुआ। मूविंग अहेड, मूविंग अहेड भाई क्या, हाँ मूविंग अहेड एक भाई का, मतलब दो तीन लोगों का है कि क्या कहते हैं, इंस्टाग्राम हैंडल क्या है आपका, तो इट इज FT.Elton, मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ। A few moments later. So guys, हम यूनिवर्सिटी के बाहर पहुँच चुके हैं। ये एक मेन गेट है और वो एक मेन गेट है। सो गाइज, अभी मैं पूरा वो स्टार्टिंग से लेके वीडियो भी नहीं बना सकता क्योंकि क्लास के लिए थोड़ा लेट हो गया हूँ। क्लास जाके दिखाता हूँ कि कहाँ पे है, क्या है, फिर उसके बाद आके मैं आपको फुल टूर देता हूँ। दिस इज़ द मेन गेट टू द कैंपस और दिस इज़ द मेन बिल्डिंग, क्वींस बिल्डिंग करके जो है। और जो आप मेरे लेफ्ट हैंड साइड पर देख रहे हो, द पीपल्स पैलेस। तो बेसिकली यहाँ पे लेक्चर्स और सेमिनार्स वगैरह होते हैं। मेरी पहली लेक्चर भी यहीं पर थी। बाकी तो कुछ है नहीं यार, वो भी एक और गेट है वहाँ पर। तो बेसिकली अगर आपकी बस वहाँ उतर रही है तो वहाँ से एंटर कर लो, यहाँ उतर रही है तो आप यहाँ से एंटर ले लो। गाइज, मूविंग अहेड मुझे भी इतना ज़्यादा आइडिया है नहीं कि क्या कहते हैं कौन सी जगह कहाँ पे है। जैसे जैसे पता चल रहा है मैं आपको बताते रहूँगा। ये तो चलो, जो क्वींस बिल्डिंग की मेन एंट्रेंस यहीं से है। जब मेरा जो टूर है, जो मतलब क्या कहते हैं, जो न्यू इनटेक के बच्चे, उनका टूर भी इसी पॉइंट से स्टार्ट होता है। अब वो सामने द हाई स्टडी स्पेस है। आई हैव नो फ्रिकिंग आइडिया व्हाट दैट इज। तो पढ़ने की जगह होगी भाई, स्टडी स्पेस लिखा है तो। यहाँ पे वैसे ही नॉर्मल बैठने की जगह है एंड दैट इज़ द लाइब्रेरी, जिसके अंदर मैं कभी नहीं गया। वो सामने आपके लिए QM सोशल करके होगा, बेसिकली आप अपने दोस्तों के साथ अंदर बैठ सकते हो, तो बैठ लो, कॉफ़ी पीना तो पी लो। तो गाइज़, अभी हम लोग निकल गए हैं, सुमेश भाई मिल गए, उनका भी अभी एक घंटे का ब्रेक पीरियड है। भाई के साथ बहुत बुरा हुआ भाई बहुत बुरा हुआ भाई, अब तो मैं कभी रोड पे ब्लॉगिंग करूंगा ही नहीं। भाई का फ़ोन भाई ने कॉल के लिए उठाया, दो बंदे आए बाइक से उठा के लेके चले गए। तो भाई डेंजरस भाई, हाँ तुम बी सेफ भाई, बी सेफ। मैं आपको क्या बताता, हाँ ये बैंक्रॉप्ट बिल्डिंग है। सो मेरे जितने भी क्लासेस होते हैं बिजनेस मैनेजमेंट स्टूडेंट्स के, सारे इसके अंदर ही होते हैं। तो मेरी जो अब 4 से 7 की क्लास है वो भी इसके अंदर ही है। सामने जाऊंगा तो भाई कैनाल वगैरह आता है। मैं आपको हमारे कॉलेज के अंदर एक सेमेट्री है वो दिखाता हूँ। तो गाइज, जो मैं आपको सेमेट्री के बारे में बता रहा था, दिस इज़ द सेमेट्री भाई, देख लो। तो बेसिकली ये है मूविंग अहेड गाइज, ये यहाँ पर खाने पीने की जगह है। दिस इज़ कॉल्ड द कर्व भाई, पूरा भरा रहता है ये एरिया, देख लो अंदर पूरा भरा हुआ है। तो बच्चे बाहर बैठ के खा रहे हैं, बहुत लाइन लगानी भाई, बहुत लाइन लगानी पड़ती है। खाना अच्छा होता है लेकिन यहाँ का, मैंने खाया था, थोड़ी देर में मैं यहीं से खाऊंगा भाई, क्योंकि अब वापस घर नहीं जाता। लाइक मील पैकेजेस ऑल्सो, हाँ मील पैकेजेस ऑल्सो। वहाँ पे एक वो बना था यार, कहाँ था, अच्छा वो विलेज शॉप के बारे, विलेज शॉप क्या है वो भी दिखाता हूँ। हाँ तो भाई, दिस इज़ द विलेज शॉप। मेरे को अंदर जाके कुछ चीज़ें भी लेनी है यहाँ। अगर आपको यहाँ पे पेन, पेपर, पेंसिल, दाल मिलेगी भाई यहाँ पे, यहाँ दाल मिलेगी, दाल मिलेगी। हाँ भाई, मम्मा कह रही थी दाल खरीदने, तो दाल लेके आते हैं यहाँ से। तो बेसिकली आपको जो भी चाहिए भाई, अगर आपको एक मील खाने का मन है, छोटा मोटा जल्दी लेने का मन है, तो आप यहाँ से ले सकते हो, खरीद लेते हैं। घर पे एक भी बुक नहीं है तो। ये
This is the canal area. Usually यहाँ पे लोग खाना खाने बैठने या फिर दौड़ने आते हैं, और जो वहाँ पे जो एरिया है वहाँ पे वगैरह कपल बैठे रहते हैं यूजली। कहाँ गया बतख था भाई, वो देखो गाइज। अगर आप उस साइड देखोगे वो जो पूरा एरिया है दैट इज़ द माइलैंड पार्क भाई। मतलब पानी इतना ज़्यादा भी डीप है नहीं यहाँ से, मे बी मिड साइड्स तो ऑब्वियसली ज़्यादा होगा, बट अगर आप यहाँ पे देखोगे तो इतना ज़्यादा है नहीं। बाकी अगर उसके लिए उस साइड जाना है तो बाहर से निकल के क्रॉस करना है, यहाँ से तो कोई ऐसा रास्ता है नहीं। तो दैट इज़ इट। नहीं रास्ता है शायद, कुछ है वहाँ पे, कुछ है वही तो कुछ तो है वहाँ पे, कुछ बना हुआ है, एक बार जाके चेकआउट करते हैं। बेसिकली यहाँ पे कुछ चल के जाने के लिए नहीं है, दिस इज़ टू कंट्रोल द कनाल फ्लो भाई। ये देखो वहाँ पे मतलब क्या कहते हैं क्या है ये वाटरफॉल टाइप, मिनी वाटरफॉल डैम है बेसिकली भाई। हाँ डैम बना रखा है। वो जो बोट्स वोट्स हैं उनके आने जाने के लिए है। ये देखो वहाँ पे कंट्रोल वगैरह का यही है बेसिकली। आगे जाके थीम्स में मिलता है, वहाँ पे जा नहीं सकता मैं, वो देखते हैं क्लास के बाद अगर हो पाए तो। बेसिकली यही, अभी बहुत ज़्यादा भूख लग रही है। वो जो आप स्केप करके देख रहे हो दैट इज़ अ स्टूडेंट अकाउंट, प्राइवेट है जितना मुझे याद है, आई कुड बी रॉन्ग ऑल्सो। स्केप प्राइवेट है ना? हाँ हाँ प्राइवेट ही है, आई थिंक ऋषि लिव्स देयर ना। अच्छा ऋषि, अच्छा ऋषि वहीं पर रहता है, ओके। यहाँ पे पानी इतना डीप है नहीं तो ठीक है, लॉन्ग जंप अटेम्प्ट है क्या? लॉन्ग जंप अटेम्प्ट कर लो भाई, मेरे पैर इतने बड़े, अब भाई मैं उस पत्ते तक ना पहुंच पाऊँ, तू करके देख ले भाई। सैक्रिफाइस योर सेल्फ फॉर माई यूट्यूब चैनल भाई। ऐसा अगर सैक्रिफाइस करूंगा मेरे को प्रॉफिट शेयर चाहिए। ठीक है भाई मिल जाएगा अगर, ठीक है डन। तो भाई भूख लग रही है यार मेरे को, तूने खा के आया था? मैं बस हल्का सा ब्रेकफास्ट उसी खाया था। कब चलें कुछ देखते हैं खाने का? तो भाई कब के अंदर, मतलब अभी तो मैंने बाहर से दिखाया भाई, अंदर आप जाओगे तो मतलब फुल मील वगैरह मिलता है, कुछ 7 पाउंड 8 पाउंड है। लास्ट टाइम मैं आशुतोष के आगे खा के आया था तो वो खाते हैं। और भाई मतलब कैफेटेरिया टाइप और भी बहुत सारे एरियाज है, वो मैं आपको दिखाता हूँ। तो भाई अभी मेरे को एक नई बात पता चली, सुमेश भाई जब पहली बार मतलब कनाल देखने आए थे तो उनके मतलब उनके कहना ये है कि ये पूरा एरिया फ्रोजन था और डक्स वगैरह ऐसी मतलब चल रही थी। तो भाई कनाल फ्रोजन था मतलब ठीक है, डैम मेरे को नहीं पता था कनाल ऐसे फ्रीज हो जाता भाई जब, बट मैं भी आया था यार तब भी क्या कहते हैं 2-3 डिग्री में तो फ्रीज था वो। नहीं हमें शायद तक फेब में वापस मिल सकता है देखने को फ्रीज, को कोई बोल रहे थे कि फेब में आई थिंक स्नो पड़ती है और थोड़ा okay. वापस ठंडा होता है, बट लेट्स सी भाई। स्नो तो मैंने देखा नहीं यहाँ पे आके, तुमने देखा? अभी टाइम ही नहीं है, अभी तो है ही नहीं, दिसंबर में होता है और आई थिंक आई गेस फेब में होना चाहिए, बट लाइक अभी लंदन गर्म भी होते जा रहा है। ओके लास्ट टाइम भाई बारिश होने के बाद तो हवा बहुत थी यार, वेदर इज अनप्रेडिक्टेबल भाई बहुत ज्यादा। कल सुबह गर्मी थी, रात को ठंड थी भाई, रात को तो बहुत ठंड थी, बहुत बहुत ज़्यादा। दिस इज द हाउसिंग हब, आप कर्व से थोड़ा आगे आओगे तो आपको दिख जाएगा। अगर आपको अकोमोडेशन वगैरह को लेके कोई भी बात करनी है तो यहाँ आना है। मेरे अकोमोडेशन का सॉर्ट भी यहाँ आके हुआ था, मैंने उन्हें आके बोला कि हम ट्रैवलिंग बहुत दूर से आता हूँ, घर वर है नहीं मेरे पास, प्लीज़ घर दे दो। उसके एक घंटे बाद ही लिटरली मेल आ गया कि क्या कहते हैं आपको क्या कहते हैं अकोमोडेशन मिल गई है। सो गाइज मैंने खाने के लिए श्रेडेड चिकन और फ्राइड राइस लिया है, दिस कॉस्ट में अराउंड 4.50 पाउंड। मैंने खा इस लाइब्रेरी के जस्ट पीछे ग्राउंड कैफे करके, तो बेसिकली कॉफ़ी मतलब क्यू एम सोशल की तरह ही है, आके बैठ के अपने दोस्तों के साथ इन्जॉय कर सकते हो। और सामने है स्टूडेंट यूनियन हब, मतलब इवेंट्स वगैरह ऑर्गेनाइज होते हैं क्लब के वगैरह। मैं ग्राउंड कैफे के अंदर बैठा हुआ हूँ, कुछ असाइनमेंट्स वगैरह वो करता हूँ, मतलब असाइनमेंट्स क्या मतलब जो केस स्टडी है वो वगैरह पढ़ लेता हूँ। बेसिकली भाई तुम मतलब चिल करने के लिए भाई, अगर यहाँ पे आपको कॉफ़ी पीने का मन है ना तो मतलब कॉफ़ी की कमी नहीं दिखने वाली आपको भाई, हर जगह कॉफ़ी शॉप है। दिस इज ऑल्सो बेसिकली मोर और लेस अ कॉफ़ी शॉप, मतलब अगर आपको स्नैक्स वगैरह करना है तो आप स्नैक्स वगैरह कर सकते हो भाई, पूरा पैक्ड रहता है, मतलब आपको बंदे हमेशा यहाँ पर मिलेंगे। तो एक ये हो गया कैफेटेरिया, क्यू एन सोशल हो गया, कर्व तो है ही, कर्व पे आपको मोर मील टाइप खाना मिलेगा, क्यू एन सोशल और यहाँ पे आपको छोटे मोटे स्नैक्स वगैरह मिल जाएंगे, स्नैक्स हो गए,
या फिर उससे कॉफ़ी कोई ड्रिंक्स हो गए सॉफ्ट ड्रिंक्स वो वगैरह मिलेगा। वैसे क्यूएम सोशल कह रहा हूँ, कर्व के अंदर भी आपको कॉफ़ी और क्या कहते हैं स्नैक्स की जगह है। सो या दैट्स इट, थोड़ी देर यहाँ बैठते हैं। तो आई स्टिल हैव ऑलमोस्ट 1.5 आवर्स, थोड़ी देर यहाँ बैठते हैं उसके बाद निकलते हैं। पूरा भरा हुआ गाइस, ग्राउंड कैफे से मैं कुछ खाने पीने की सोच रहा था, छोटा मोटा सा थोड़ा सा, मतलब आई एम स्टिल अ बिट हंग्री भाई। सो बट द बिगेस्ट इशू इज़ कि भाई यहाँ पे यार वो लोग कैश कहीं पे भी एक्सेप्ट नहीं करते, ना कर्व में करते हैं या ना यहाँ करते हैं। अब मेरे पास कार्ड या फिर क्या कहते हैं UPI के लिए कुछ है नहीं। एक बार लाइब्रेरी जाके आते भाई, अभी तक तो क्या नहीं, वहाँ पर मैं बस ऐसी वीडियो बनाऊँगा, वॉइस ओवर दे दूंगा भाई, क्योंकि वहाँ पे मतलब सुमेश भाई और जितने भी बच्चे गए कह रहे थे कि एकदम पिन ड्रॉप साइलेंस होता। A few moments later. तो गाइज अभी मतलब क्लास खत्म हो गई थी, तुम्हारे भाई ने हॉट चॉकलेट लिया है और बाकी अभी क्लास चलेगी 7 बजे तक और उसके बाद मैं आपको रेस्ट ऑफ द व्लॉग कंटिन्यू करता हूँ। गाइज मीट वंश भाई फ्रॉम पंजाब। भाई पंजाबी में सब्सक्राइब करने कहते हैं। सारे लोगों को बहुत बहुत बेनती है कि सारे सब्सक्राइब करो प्रादा चैनल। हाँ बस भाई ठीक है, मेरे को समझ तो आ गया। तो गाइज वापस क्लास चलते हैं और थोड़ा सा लेट हो गया। ललित से हाय, you are getting featured. Hello. Say, tell them to subscribe in my YouTube, to my YouTube channel. Subscribe to Elton's YouTube channel. Tell them in Tamil. For good luck. Tell them subscribe in Tamil. Subscribe to Elton's YouTube channel. So guys, मैं जितने भी बच्चे हैं जो अलग अलग स्टेट से उन सबको मैं सब्सक्राइब करने बुलवाऊंगा ऐसे। So guys, अगर आप लोग क्या कहते हैं क्वीन मेरी का जो बिल्डिंग है उसके पोस्ट ग्रेजुएट वाले बच्चों के लिए, तो अगर आपको उसके अंदर जाके कॉफ़ी, देखो क्लास एक एवरेज क्लास जैसे दिखती है, आपको उसके अंदर जाके कॉफ़ी वगैरह पीना है तो वो है। बाकी वहाँ पे मैंने सुना तो है कि हमारी क्लासेस होंगी सेकेंड सेमेस्टर से, अभी फर्स्ट सेमेस्टर में तो कोई भी क्लास नहीं हुई है यहाँ पे। मतलब और भी चीज़ें पढ़ाई जाती है, देखो स्कूल ऑफ बिहेवियरल एंड क्या लिखा है, बायोलॉजिकल एंड बिहेवियरल साइंसेस। एडिट मार दूंगा। तो भाई बाकी इधर आओ भाई, सोलांकी सर से मिलो, ये मेरे मतलब इनका घर मेरे कॉलेज के पास में ही था, रोहिणी से। तो भाई मैं दिल्ली से। अब ये यहाँ पे सामने रोड आता है, ये क्रॉस करके यूनियन शॉप है, सो वहाँ से आपको मैं दिखाता हूँ। तो गाइस बेसिकली दिस इज द यूनियन शॉप, अगर आप कहीं पर भी कोई बिस्किट वगैरह या चीज़ें लेनी है तो आप आराम से ले सकते हो, उस तरफ आपको चीज़ें वगैरह है। तो गाइज हमें बेसिकली यूनियन शॉप से बाहर निकाल दिया, उन्होंने कहा कि भाई बंद हो गया है कहीं और से जा, तो उसके बाहर से रास्ता है। बेइज्जती थी, मैं अंदर घुसा तो वो जो बंदी थी उसने ऐसे से किया, जा 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 बाहर। तो गाइज तो यहीं पे बाहर से आए हैं, हेयर ड्रेपर जहाँ पे हमारा वो हुआ था, वो फ्रेशर्स हुआ था। आपको कॉलेज के अंदर ही अगर आपको दारू वारू पीनी है तो मतलब यहाँ आके पी सकते, मतलब भाई झूठ क्या बोलूं, जो है तो है। अंदर नहीं आ रहा मैं, अब अंदर जाना है। यहाँ पे जिम है बार के जस्ट साइड में, क्यू मोशन करके यहाँ पे भाई, अगर आपको क्या कहते हैं कोएड जिम भी है, ऑल विमेंस जिम भी है और फिर एक दो और फैसिलिटीज़ है। अगर आप पर डे के हिसाब से आओगे तो आपको 8 पाउंड लगेगा, अगर आप मंथली आओगे तो आपको 20 पाउंड्स है, 20 या 21 पाउंड्स। ये कितने बजे तक होता है ये मुझे पता नहीं, वो मैं पूछ लूँगा। बाकी दिस इज़ द जिम ड्रेपर्स बार की जस्ट साइड में, और यहाँ से एग्ज़िट है जहाँ से वो बच्चे आ रहे हैं, वहाँ से एग्ज़िट है और वहाँ से स्टेपनी ग्रीन स्टेशन सबसे पास का स्टेशन पड़ता है, तो बेसिकली दैट इज़ इट। बाकी अभी शाश्वत का वेट करते हैं आने का, उसके बाद देखता हूँ कि कोई और मतलब क्या कहते हैं फैसिलिटी नहीं और कोई प्लान बनता है कि नहीं। पूरा कैंपस ऑलमोस्ट खाली है, कुछ आवारे बच्चे इधर उधर घूम रहे हैं हमारी तरह, वरना तो भाई कैंपस खाली है। हाँ अगर आप क्यू मोशन जाओगे तो मतलब क्या कहते हैं जिम पूरा भरा हुआ है, सुमेश भाई ने पूरा मतलब क्या कहते हैं ईयरली मेम्बरशिप लिया, तो दैट इज़ 140 पाउंड्स पूरे साल के लिए। अगर आप INR में देखोगे तो 15,000 रुपये।
सो दैट इज ऑल्सो क्या कहते हैं सही, क्योंकि अगर 20 पाउंड के हिसाब से अगर पर मंथ देख रहे हो तो मतलब वही हिसाब बैठ गया मोटा मोटा। ये मतलब क्या कहते हैं, आज भाई तुम्हारे भाई को मतलब बहुत सारी कॉम्प्लीमेंट है, वो मैं आपको घर जाके बताता हूँ। सो गाइज बेसिकली कॉलेज रात को ऐसा दिखता है, देख लो मतलब लाइट्स वाइट्स ऑन है। अब मैं बस के लिए बस तो यहाँ पे ऐसा नहीं, मेरे को यहाँ से बस पकड़ना है। सेंसबेरीज का दुकान दिख नहीं रहा होगा आपको, अभी दिखाता हूँ मैं। सेंसबेरीज का दुकान जस्ट कॉलेज के अपोजिट में है, अगर आपको कोई ग्रोसरी आइटम्स लेनी है तो यहाँ से ले लो। MRPV का कॉन्सेप्ट तो यहाँ पे अपने UK में है नहीं इंडिया की तरह, तो आपको हर दुकान पे अलग प्राइस मिलेगा। तो सेंसबेरीज जस्ट सामने है। तो गाइस तुम्हारा भाई घर आ चुका है, और इस ब्लॉग को और मैं बहुत ज़्यादा नहीं खींचने वाला, तो भी आपको मैं दिखाता हूँ कि डिनर वगैरह में क्या करता हूँ। पानी पी लो भाई। भाई ये कितना है, 5 लीटर, ये मैंने कब लिया था, 3 या 4 दिन पहले, मतलब 5 लीटर है नहीं है पता नहीं, वो जितना भी लीटर 5 ही है शायद, उससे ज़्यादा ही होगा, जितने भी लीटर हो भाई जो भी हो, मैंने 5 दिन पहले लिया था तो अभी इतना बचा हुआ है। मेरी गलती बताई क्या, मैं बॉटल लेके नहीं आया इंडिया से, मतलब भाई हवाबाजी मैं यहाँ पे पूरी कर सकता था, पूरी हवाबाजी कर सकता था, एक वो कॉफी का मग यू नो ऐसे पकड़ के, आज के ट्रिप के साथ तो बहुत मतलब बहुत ज्यादा वो भी लगता है, सूटेबल है ना भाई। अखिल कह रहा था कि स्मार्ट लग रहा है, यू नो वो तो मैं डेली लगता है, बट ठीक है आज के ट्रिप के साथ सूट करता है। हाँ फिर भाई वो मेरे पास एक वो क्या कहते हैं बॉटल थी, मतलब फ्लास्क है तो उसके अंदर क्या कहते हैं ऊपर टेम्परेचर लिखा आता था, वो सब मैं लेके नहीं आ पाया, वो सब तो मतलब भाई सेकेंडरी थी प्रायोरिटी में, मेन था ये था कि क्या कहते हैं कपड़े भर लो। मोस्ट बच्चों ने क्या किया कि कपड़े यहाँ के लिए ये दाल हो गई या फिर ऐसी वगैरह चीजें लेके आ गए, तो बट भाई फिर हमारे दिमाग में ये था कि यार यहाँ पे महंगा मिलता है, तो यहाँ के H&M में थोड़ा महंगा था अपने सिल्क सिटी वॉक से ज्यादा, मतलब ऑब्वियसली यहाँ पे थोड़ा महंगा ही होगा, तो इसलिए मैंने इंडिया से कपड़े खरीद के लाते। जरा जो भी हो अभी बॉटल नहीं है, मैं कोई मतलब बहुत बड़ा ब्रांडेड तो नहीं चाहिए, बट यार थोड़ा डिसेंट तो लगना चाहिए ना, तो मैं बॉटल वगैरह ढूंढ रहा था। बाकी कुछ नहीं यार, अभी मतलब सुबह के एक कॉफी का कप और ओट्स जो मतलब खाए थे जिसमें वो साफ करना, तो दैट्स इट। बाकी अभी मैं डिनर दिखाता हूँ क्या खाने वाला हूँ भाई। मेरे को ना मतलब मैं क्लीन शेव लूँ, तो ये मेरे को जिस दिन अंकल जो मेरे रेडिंग वाले अंकल है उन्होंने जब पिकअप किया था उन्होंने भी कहा था फर्स्ट डे, और मेरे को इंडिया में भी एक दो बंदों ने कहा था, और यहाँ आके जिस मतलब ड्राइवर ने मुझे ड्रॉप किया या मतलब मेरे अकोमोडेशन तक रेडिंग से, उसका भी फर्स्ट रिएक्शन ये था भाई मैं सही में हवाबाजी नहीं कर रहा, मैं सही में मतलब झूठ नहीं कह रहा, लोगों ने कहा है इसलिए कह रहा हूँ कि मैं एक छोटा सा गिट्ठा सा मतलब फेशियल स्ट्रक्चर मेरा शुभमन गिल की तरह है, तो देख लो भाई मतलब मेरे को तो नहीं लगता, बट ये एक उनका कहना ये है कि क्या कहते हैं गिट्ठा सा शुभमन गिल लगता हूं मैं, टेक्निकली अगर देखा जाए तो दैट इज अ बैक हैंडेड कॉम्प्लीमेंट, बट इसी की तरह दिखता हूं मैं, ठीक है जो भी हो। बाकी भाई बाकी मेरे को ना मतलब मैं बस ऐसे युवराज से ऐसे मतलब बातें कर रहा था, युवराज कहते हैं कि भाई मेरे को देख के ना मैं ना बहुत ही भोला इंसान इन द सेंस भाई हाँ वो तो मैं हूँ ठीक है, बट मेरा जो फर्स्ट इम्प्रेशन है ना अगर कोई मेरे को देखता है फर्स्ट इम्प्रेशन जैसे तो मतलब शक्ल वगैरह देख के तो ऐसा लगता है कि एटीट्यूड बहुत है कि इन द सेंस कि मतलब मैं किसी को जाके अप्रोच नहीं करने वाला, ये मेरे को ना ये सेम बात इंडिया में भी सुनने को मिलती थी, तो आई गेस यार मैं क्या करूँ अपनी शक्ल में नॉर्मल जैसा रहता हूँ भाई। अब देखो अगर एटीट्यूड नहीं रखूंगा तो मतलब मेरे को ऐसा लगता है कि क्या कहते हैं लोग अप्रोच नहीं करेंगे, एटीट्यूड देखो अगर होता है ना कि मतलब एक ऑरा बनाना पड़ता है, अगर एक ऑरा नहीं बनाओगे तो फिर अगला तुम्हें मतलब कुछ समझेगा ही नहीं, तो मतलब एटीट्यूड वाली शक्ल होती क्या, मैं तो नॉर्मली रखता हूँ, बट अपेरेंटली लोगों को ऐसा लगता है कि मतलब क्या कहते हैं शक्ल एटीट्यूड वाली रहती है, तो मतलब अब इसको कैसे इम्प्रूव करूँ आई हैव नो फ्रीकिंग आइडिया भाई, मेरे को लगता है कि यार शक्ल नॉर्मली रखता हूँ मैं, तो दैट्स इट। यह बात मेरे को कॉलेज में भी मतलब इंडिया में 2-3 लोगों ने कहा था, मतलब मेरी एक दोस्त थी हुआ करती थी तो उसने मुझे कहा था कि क्या कहते हैं एक दो लड़कियां कह रही थी कि मैं क्यूट दिखता हूँ, बट वो मेरे को आके कभी कहने नहीं वाली क्योंकि मेरी शक्ल देख के फर्स्ट इम्प्रेशन ये है कि क्या कहते हैं कोई साउथ दिल्ली का बहुत ही बड़ा एटीट्यूड में रहने वाला लड़का है, ऐसा तो दूर दूर तक है नहीं एरोगेंस, मतलब भाई देखो अगर एक
आई थिंक इंसान में थोड़ा बहुत एरोगेंस तो होना चाहिए, थोड़ा सा तो होना चाहिए, थोड़ा बहुत क्या कहते हैं कि भाई हम ही है, थोड़ा बहुत ईगो होना चाहिए, दैट फ्यूल्स द पर्सन, है ना, कि मतलब उसके अंदर आग बनी रहनी चाहिए. बट यार मेरे को तो लगता नहीं एटीट्यूड है मेरे में, थोड़ा बहुत है बट मैं मतलब शक्ल पे देख के समझ आती है वैसी वाली, आई डोंट नो मैन. सो या दैट्स इट भाई. हाँ तो मैं आपको एक और चीज दिखाता हूँ. तो मतलब मैं क्या बोलूँ भाई, अब ये टॉपिक चेंज ही करना पड़ेगा क्योंकि कोई मेरे को तो आंसर मिल नहीं रहा. सो या टू चेंज द टॉपिक, ये देखो यहाँ पे बोल दिया था उन्होंने खाना बनाने के लिए, बट उसके अंदर तुम्हारे भाई ने बोल टूट ना जाए, कॉइन्स इकट्ठे कर रखे हैं, बहुत सारे कॉइन्स है. तो या भाई मैं ना एक कॉइन पाउच करके भी आता है, बट वो अगर लेता तो वो होता हवाबाजी प्रॉपर. कॉइन पाउच लेके कौन घूमता, मेरे जो पर्स है उसके अंदर मतलब क्या कहते हैं इतने सारे कॉइन रखने की जगह तो है नहीं. तो मतलब मैं सोच रहा था इंडिया में कॉइन पाउच ले लूं, बट फिर है ना समझ रहे मैं क्या बोलता है, मतलब कॉइन पाउच लेके तो मैंने लिया नहीं. कॉइन पाउच की ऐसी कोई नीड भी है नहीं. अभी जो मेरा पर्स है दैट इज वर्किंग ओके, अगर उसमें मतलब वो फट गया है, अब मैं कभी थोड़ा एक्स्ट्रा कार्ड वार्ड लेके जाना है तो नहीं हो पाएगा. सो आई वॉज थिंकिंग प्राइमार्क से एक वो ले लेता हूँ ना, क्या कहते हैं एक वॉलेट, कुछ 4 या 5 pound का था, तो मतलब ठीक है प्राइमार्क इज अ वेरी वेरी उससे एस्टेब्लिश ब्रांड तो ले सकते हैं वहाँ से. लैपटॉप का चार्ज खत्म हो गया है गाइस. और आई होप यार आपको ब्लॉग पसंद आया हो, मैंने बोले जितना हो सकता था मैंने दिखा दिया अपने टू द बेस्ट ऑफ द केपेबिलिटीज एंड बेस्ट ऑफ माई एबिलिटीज दिखा दिया है. आपको पसंद आया तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना. तो भाई अपने सारे दोस्तों को भी भेजो मेरा. मैं सजेस्ट ये करूंगा कि क्या कहते हैं अगर जो मेरे नए सब्सक्राइबर्स हैं, अभी बहुत सारे नए सब्सक्राइबर्स आए हैं व्हेन आई लैंडेड इन क्या कहते हैं एट हीथ्रो एयरपोर्ट. सो माय सब्सक्राइबर काउंट वाज 296, टुडे इट इज 356. तो जितना भी बड़ा मतलब अराउंड 40-41% का जंप है. सो मैं उन लोगों को कहूंगा कि आपको आप ना मेरे पुराने ब्लॉग्स देखो, जो मैं ट्रिप पे गया था वो वाले ब्लॉग्स देखो, देहरादून गया था, फिर मैं कॉलेज जो मैं इंडिया में मेरे दोस्तों के साथ बकचोदी मिलता था वो देखो, या अक्षत एबन के साथ तो वो देखो. और आपको वो वाले ब्लॉग्स में आपको मतलब क्या कहते हैं पीक बकचोदी दिखेगी, पीक क्या कहते हैं प्योर बॉयज फन, या फिर क्या कहते हैं मजा आएगा, बेसिकली मजा आएगा. तो आप वो वाले ब्लॉग्स देखना, आपको ज्यादा पसंद आएगा. तो बेसिकली दैट इज इट भाई. या सो दैट्स इट भाई. सो गाइज अभी तुम्हारा भाई करने जा रहा है डिनर. और भाई मैं आपको एक बात साफ सीधी बात बता देता हूँ, अगर आप एक इंटरनेशनल स्टूडेंट हो जो इंडिया से मतलब यूके या फिर कोई भी कंट्री जा रहा है और आपको खाना बनाना इतना ज़्यादा कुछ नहीं आता, आप मेरी तरह डम्ब हो, ऐसे बनाना आता है मेरे को बस बनाने का मन नहीं करता, तो बट मान लेते हैं कि आपको नहीं आता, तो आप जाओ अपने नियरेस्ट हल्दीराम की दुकान में और ये खरीदो हल्दीराम का रेडी टू ईट. अ स्पेशल शाउट आउट टू हल्दीराम भाई, दिस इज द बेस्ट, मतलब दिस इज द बेस्ट ऑफ दे कुड हैव लॉन्च्ड भाई. कुछ नहीं करना आपको, बस ऐसे मतलब क्या कहते हैं 15-20 डब्बे उठाने, मैंने सिर्फ 3 उठाए थे, दैट वॉज माई फॉल्ट. आप 15-20 डब्बे उठाओ, उसको पैकेट होगा वो खोल के इसके अंदर डालो, गर्म पानी लो भाई, बस लिटरली इसको क्या कहते हैं ऐसे करो, पोर करो, स्टर करो एक बार अच्छे से, थोड़ा वाला स्टर करना पड़ेगा अच्छे से ताकि मिक्स हो जाए मसाला जो भी है चावल वगैरह परांठ का ना, मतलब समझ जाओ भाई, मिक्स करो, थोड़ा ज़्यादा देर मिक्स करना पड़ेगा शायद, आई थिंक बहुत मिक्सिंग हो गई है. और इसको बस बंद करके 8 मिनट के लिए रख दो भाई. जो ए फ्यू मोमेंट्स लेटर. सो गाइज हल्दीराम्स का वो खत्म हो गया है और मेरे फोन का चार्ज भी खत्म हो गया था इसलिए वो वीडियो कट गया. सो बेसिकली मैं ये समझा रहा था दिस इज सम रियली गुड शॉट, दिस इज सम रियली गुड स्टफ, खरीद लेना भाई. और बाकी भाई अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, अपने सारे दोस्तों को भेजो भाई. मुझे एक मतलब अंश ने एक बात कही और मैं किसी अगर कोई मेरे को ऐसा नया सब्सक्राइबर आया है तो मैं जेन्युइनली एक बात कहना चाहता हूँ, आई रिस्पेक्ट यू और मैं काफ़ी खुश हूँ कि आपने समझ आया कि मतलब मेरे ऐसे चूतिए का चैनल सब्सक्राइब करने के लिए. बट क्योंकि मैं अभी रिसेंटली जो व्लॉग्स डाल रहा हूँ लंदन पे है तो मैं मतलब ऑब्वियसली कैप्शन में भी लंदन डाल रहा हूँ, तो किसी को ऐसा ना लगे कि मैं क्या एक इन्फॉर्मेशन देने का पॉइंट हूँ.
मैं कोई एजेंट टाइप बन के नहीं रहना चाहता गाइज, आई वॉन्ट यू टू यू नो लाइक मी फॉर मी. दैट्स वाई अ फ्यू मोमेंट्स अगो आई हैड सेड कि आप मेरे पुराने वाले ब्लॉग्स देखना तो आपको समझ आएगा कि कैसे बकचोदी हुआ करती थी. अब वैसे बकचोदी अभी यहाँ पे नहीं हो रही क्योंकि सब थोड़े बहुत दूर रहते हैं, थोड़ा नया इन्वायरमेंट है. और भाई यहाँ पे मतलब टू बी वेरी ऑनेस्ट, अब बकचोदी के लिए टू बी वेरी ऑनेस्ट उतना टाइम भी नहीं है. सो दैट्स इट. और भाई और मेरे से आज पिनाकिन भाई ने पूछा कि भाई तू डेली ब्लॉग्स डालेगा तो मतलब तू कैसे सोचता है कंटेंट का. तो भाई मैं डेली ब्लॉग्स में भाई जो मेरे साथ होता है मैं वही डालने का सोच रहा हूँ. अभी तक वही कर रहा था, दो दिन से ब्लॉग आया नहीं. बहुत सारे लोगों ने मेरे को आज कहा, मानव ने कहा मुझे, युवराज ने कहा, अक्षत ने भी कहा, अखिल ने भी कहा कि भाई क्या कहते हैं हम खाना खाते वक्त तेरा ब्लॉग देखते हैं. भाई आई होप कि भाई बहुत सारे लोग और भी लोग आई होप कि देखते होंगे. तो दैट्स हाँ. तो बेसिकली भाई मैं कोशिश करूंगा जो भी दिन में हो रहा है वो डाल दूं. अगर आपको पसंद आया तो भाई प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जैसे एज ऑलवेज. नहीं पसंद आया तो भाई मत करना, मैं क्या बोलूं. तो भाई देखो तुम्हारे भाई की ड्रिप. तो यार बस ये सब है यार, प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दो. तो जैसे मतलब 40% का जैसे इंक्रीज आया जैसे मैंने बताया, तो लेट्स एम कि इस महीने में, अभी फरवरी 2nd है आज, तो इस महीने में लेट्स एम फॉर 600. पिछले महीने का हो नहीं पाया, मैंने सोचा था कि 400 हो जाएगा, नहीं हो पाया, कोई बात नहीं. बट इस महीने लेट्स एम फॉर 600. थोड़ा मतलब बहुत बड़ा गोल, थोड़ा सा ज़्यादा गोल रखते हैं तो मे बी यू नो. अब एवरी डे डाल ही रहा हूँ भाई, तो बस यही है. थैंक यू भाई.